Hi everyone, good morning, welcome back to the channel Me and He Blogs. Yeah, good morning guys. So this video is about giving you an update about ki abhi hamara interior work mein what's the progress so far, because it's been around 2 to 3 months jab se ye interior work chal raha hai. And then so I think abhi jo hai na hum log almost the interior works are almost done, so I think hardly 5 to 6 days aur lagenge. So being Sunday today, I mean next week में that will be done. So अभी तक क्या progress हुआ, and then कैसे कहाँ से हमने कराया, and कितने worker लोग आते हैं काम करने, how is the work, चीजें हम आपके साथ अभी इस वीडियो में share करते हैं. तो let's get started. Yeah. So guys, the installation process, so basically initially they told us it will take 15 days. तो सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जनरली होता क्या है ना कि द मटेरियल विच वी गेट डिलीवर्ड टू आवर फ्लैट, राइट, सो वो फैक्ट्री से सारे बन के आते हैं. सो बेसिकली तो उससे क्या हो जाता है ना कि वो सारे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ टेबल, तो एक बंडल रहता है जिसमें ना टेबल के सारे मटेरियल होते हैं, एंड देन द कारपेंटर गाइज वो आते हैं, एंड देन दे सिंपली असेंबल इट. जैसे हम ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगाते हो तो आप देखते हो वो सारी चीज़ें एक बॉक्स में करके आती हैं, एंड फिर अलग से एक आदमी आता है उसको इंस्टॉल करता है. तो सेम चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बन के फैक्ट्री से आती हैं. हाँ, मोस्टली इट्स लाइक दैट. बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं, या फिर देर आर सम लाइक कारपेंटर हिमसेल्फ वो कुछ कस्टम काम करते हैं, सो वो काम ना बहुत कम होते हैं. मोस्टली इंस्टॉलेशन, हिंजेस लगाना, एंड देन यही सब है कारपेंटर का मोस्टली यहाँ पे, इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम द फैक्ट्री फिटेड. तो ये सब है. सो हमारा जो इंटीरियर स्टार्ट हुआ, सो डैट स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिकल वर्क फर्स्ट. सो इलेक्ट्रिकल वर्क्स में दोज पावर पॉइंट मूव एंड ऑल दोज थिंग्स वेर देयर, तो उसमें आई मीन चिपिंग वगैरह वो लोग करते हैं थोड़ी बहुत, तो उसके चलते धूल मिट्टी बहुत होता है. सो अराउंड आई थिंक 5 days इट टुक फॉर देम, बिकॉज द कंक्रीट जो है ना वो बहुत, आई मीन द वॉल्स वेर दे वर क्रिएटेड विद दोज, आई मीन वो सीमेंटेड पूरा वॉल थे, तो इट टुक देम सम मोर टाइम. सो इलेक्ट्रिकल वर्क होने में 5 days लगे, एंड वंस बिकॉज और बहुत धूल मिट्टी उड़ता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, सो दो सीमेंट्स के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना वो आ रहते हैं. सो 5 days उसमें लग गए, एंड देन आफ्टर डैट द मटेरियल गॉट डिलीवर्ड फॉर द कारपेंटर थिंग. तो एंड कारपेंटर आई थिंक देर आर टू मेन गाइज जो कि ना मतलब दे आर काइंड ऑफ लीड काइंड ऑफ, जो कि मतलब मोस्टली करते हैं, एंड देन वेन एवर रिक्वायर्ड दे गेट सम हेल्पर. सो हेल्पर जो है अराउंड दे आर नॉट मच, आई मीन नॉट मच एक्सपीरियंस्ड. सो या समटाइम टू समटाइम थ्री, दैट डिपेंड्स. सो ओवरऑल ये जो कारपेंटर का जो, सो द कारपेंटर गाइड डेफिनेटली ही इज फ्रॉम राजस्थान. So in this, what I have seen, I mean, I have spoken to those guys also. The carpenter का जितने भी head लोग हैं, they are mostly from Rajasthan. So we'll put one video in the background, like क्या क्या हो गए हैं. Status क्या है, current अभी उन्होंने कितना काम वहाँ पे किया है, and कितना time और लगेगा. So आप देख सकते हैं. So छोटे छोटे काम बचे हुए हैं, finishing देना बाकी है. आई मीन जब लक जब वट एवर वुडन वी हैव, राइट, जब वो फैक्ट्री से आते हैं ना, सो इफ देर आर जो लंबे लंबे अगर वुडन के पार्ट्स हैं, तो वो क्या होता है ना बेंड भी थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो उसको फिक्स करना, एंड देन जो भी ग्लास रिलेटेड काम है या मिरर रिलेटेड काम है वो लोग लास्ट में करते हैं कि सो डैट ब्रेक ना हो, एंड देन हैंडल्स वगैरह लगाना, वार्डरोब में हैंडल लगाना, ये वो सब हो चुके हैं. सो वो आप वीडियोज में भी देख सकते हो. तो अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हमने कहाँ से अपना इंटीरियर करवाया है. या तो नाउ धीरज विल टेल यू. ना सो हमने जो अपना मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सो वी वेंट विद डेकोर पॉट. तो डेकोर पॉट आई मीन एज यू गाइज नो कि हमने बहुत सारे नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 इंटीरियर कंपनीज के पास गए थे हम लोग. अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो हमारे इंटीरियर्स वाली वीडियो, दैट जर्नी, दैट फुल जर्नी करें. हाँ, कि हमने कैसे वो किया था. तो वी वेंट विद डेकोर पॉट. सो सी हमने उस वीडियो में बताया नहीं था कि हम डेकोर पॉट से जा रहे हैं, बिकॉज पीपल गेट इन्फ्लुएंस नो, एंड देन इसीलिए हमने नहीं बताया था. बट इन दिस वीडियो लाइक सी द इंस्टॉलेशन पार्ट इज स्टिल गोइंग ऑन.
तो उसके बारे में क्या है कैसा है विल शेयर यू ओके द ऑनेस्ट अभी हम रिव्यू. फाइनल रिव्यू नहीं दे सकते हैं बिकॉज हाँ अभी स्टिल काम जो है काम प्रोसेस हो रहा में है है एक बार होने के बाद आई विल बट शेयर यू अभी तक आई मीन यू नो सी 100% परफेक्ट काम तो कहीं नहीं होता है या बिकॉज वुडन का थिंग है एंड देन ना एंड सम कारपेंटर वो काम कर रहे हैं. तो आई मीन जो हम बिल्डिंग खरीदते हैं ना इवन इफ यू विल सी राइट बिल्ड जो वॉल्स में थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है सो आई मीन थिंग्स कांट बी परफेक्ट. तो वो सारी चीज़ें ना देर इज सम मार्जिन ऑफ एरर तो वो कंसिडर करके एंड देन वील हैव टू रिव्यू एनी बडी और फिर नो बिकॉज हम कोड भी लिखते हैं तो उसमें बग तो आते ही है ना. बट अभी तक उन्होंने जितना भी काम किया है उससे हम 100% हाँ लाइक नॉट 100% या बट सी हमने अभी तक उनसे डिज़ाइन का मतलब जो हमारी डिज़ाइनर थी सो हर नेम वॉज हितैषिनी उसके काम से वी आर 100% सेटिस्फाइड सो फार बिकॉज सी वॉट हैपन्स इज इंटीरियर वर्क में ना फिनिशिंग जब तक नहीं होता है ना यू कांट जज कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ एंड द फिनिशिंग वर्क अभी तक हुआ नहीं है. या फिर फोटो में जो आप देख रहे हो वैसा अगर आपको आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है क्योंकि हमें भी अभी वो नहीं पता. हाँ तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन वी कांट गिव आवर वर्डिक्ट कि नहीं भैया ये बहुत अच्छा था वो खराब था. अभी तक हमारा डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया था एंड देन डिजाइनर ने हमें लाइक इफ यू सी राइट डिजाइनर ने डिजाइन करके दिया वॉट एवर 2D 3D दे वॉन्ट मीन दैट्स एज पर द रूल दे हैव टू गिव इट वो दिया. बट द थिंग इज लाइक यू नो क्या होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम दिस जब भी हमें ज़रूरत पड़ा कोई भी सजेशन के लिए कोई भी आइडियाज़ के लिए सो सी वॉज ऑलवेज देयर. एंड वन मोर थिंग क्या था कि इन बिटवीन आई स्टिल रिमेंबर सी हैड सम मेडिकल इमरजेंसीज ऑल्सो विथ हर फादर बट एट दैट टाइम ऑल्सो लाइक यू नो ऐसा नहीं कि आई मीन सी वर्कड लेट नाइट फॉर अस एंड देन सी मैनेज टू कम्प्लीट एवरी थिंग ऑन टाइम एंड देन उसने सारे चीज़ हमें टाइम प्रॉपरली आंसर किया कॉल्स हमेशा पिक किए. वो हमारा बहुत डिज़ाइनर के साथ स्पेशली विद दैट हमारी बॉन्डिंग जो थी बहुत अच्छी हाँ थी उनके हाँ साथ. हाँ मतलब ओवरऑल ना हम डिज़ाइनर के बिहेवियर से एंड देन द वे सी वॉक एंड देन सारे चीज़ें टाइम लाइन्स का अकॉर्डिंगली किया रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लिया एंड पैरेलली सी वॉज वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो बट सो वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ आवर डिज़ाइनर. सो डिज़ाइन पार्ट आई मीन सो ओवरऑल अभी तक तो डेकोर पार्ट के साथ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही चल रहा है. थोड़े बहुत हेयर एंड देयर होते हैं बट आई थिंक दैट इज मैनेजेबल. वो आप कहीं भी जाओगे तो थोड़ी बहुत आपको डिफरेंसेस आ जाएंगे. या सी द थिंग इज ना इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग. तो उन्होंने अच्छा काम भी किया है थोड़े बहुत कंप्लेंट्स भी हैं बट जो उन्होंने काम किया है ना कंपैरेटिवली दैट इज फार बेटर. वो छोटे मोटे ग्लिचेस प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक इफ यू विल सी एक लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एग्जैक्ट यूनिट बस इन बट एक हमारे कारपेंटर ये मतलब वुडन यूनिट में एक्चुअली उनको एक ग्लास का सेल्फ लगाना था बट उन्होंने वुडन सेल्फ लगा दिया था. सो आई मीन वो फैक्ट्री से ही वैसा बन के आया था. तो लाइक हमारा जो भी यहाँ पे लीड था आई मीन हमें उनको बोलना नहीं पड़ा ही हिमसेल्फ रियलाइज्ड इट लेटर वी ऑल्सो टोल्ड हिम बट ही हिमसेल्फ रियलाइज्ड इट कि सर यहाँ पे ग्लास का सेल्फ होना चाहिए नॉट द वुडन वन. आई विल चेक विद द डिजाइनर और आई विल चेक विद द फैक्ट्री. So and the lead was always there. I mean, most of the time he was there during the installation process. तो अभी तक हमारा experience अच्छा रहा है. And सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी सारी चीज़ें on time. अभी तक सब कुछ on time चल रहा है. On time, yeah, कुछ yeah, late yeah. नहीं, एक yeah. दिन भी late नहीं है हमारा कोई भी काम. Yeah. So this is about the wooden and thing and all. And this is a very good thing actually. हाँ हाँ क्योंकि ये सब चीज़ों में delay हो जाती हैं. And also, if you will go on Twitter or anyways, I mean, complaints बहुत सारे हैं, but without हमारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ. नहीं हुआ. थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, but I think that is manageable. वो हर जगह होते हैं. तो I mean, I don't have any complaints so far. And now, so this is about the carpenting thing. Now the painting part, okay? So painting like we didn't go with decor pot initially. हमने मतलब वैसा कुछ पेंटिंग के लिए इनसे हमने बात नहीं किया था. सो पेंटिंग वी आर गेटिंग इट डन फ्रॉम आउटसाइड. सो वी हैव स्पोकन टू मल्टीपल वेंडर्स. सो आई मीन रेट्स इतने डेविएशंस है ना रेट में. सम पीपल आर कोटिंग 13,000. समबडी समवन कोटेड लाइक 32,000. किसी ने बोला 26,000. समवन टोल्ड 24,000. Including paint or excluding paint? I mean, paint हमें खरीद के देना है, right? No, that depends. Including. हाँ, so if they are quoting like, see, one guy quoted around 8,000 for 2 BHK. So as you know, it's 1,047 square feet.
सो वन गाई कोटेड आई विल टेक 8,500 एज माई लेबर चार्ज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर पेंट यू रिक्वायर यू हैव टू बाई. सो दैट वॉज वन ऑफर. अनदर ऑफर इज लाइक यू नो किसी ने एक बंदा ने कोट किया कि 16,000 में पेंट भी हमारा रहेगा लेबर भी हमारा रहेगा विल डू इट इन 16,000. समबडी कोटेड इन 32,000. तो वो पेंट के क्वालिटी के हिसाब से भी दे वेर कोटिंग. आप कैसे करवाते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट वन मोर थिंग इज किसी ने बोला कि सर रॉयल पेंट लगा लो एंड समबडी टोल्ड नो यू शुड नॉट यूज रॉयल पेंट बिकॉज अगर एशियन पेंट का रॉयल पेंट अगर आप यूज करते हो तो चार पूरे दीवार में एवरीवेयर यू विल हैव टू अप्लाई पुट्टी एंड देन ओनली यू विल डू द रॉयल पेंट. बट कोई बोला कि नहीं सर हम तो ऐसे ही कर देंगे. सो हमें तो उतना टेक्निकल इसका पता नहीं था बट आई स्पोक टू अदर गाइज ऑल्सो एंड देन ही टोल्ड नहीं सर इफ यू वॉन्ट टू गो विद द रॉयल पेंट यू हैव टू अप्लाई पुट्टी. सो वी थॉट दैट गाई इज इनकॉम्पिटेंट. आई मीन ही वॉज गिविंग सम फॉल्स रॉन्ग सजेशंस. सो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. सो लाइक दैट सो फाइनली वी हैव दैट गाई इज फ्रॉम आई थिंक ही इज फ्रॉम यूपी जो जिसको हमने पेंटिंग का हमने आई मीन ही इज अ वेंडर तो हमने उसको पेंटिंग के लिए दिया है. सो वो हो गया पेंटिंग के बारे में. एंड देन आई थिंक किचन में एंड किचन में मॉड्यूलर किचन एंड ऑल दोस थिंग वो सब हो गए हैं. ग्रेनाइट वगैरह लग गए एक बार हैं. सारे इंटीरियर होने के बाद विल शो यू हमारा घर का एक ब्लैंक हाउस इंटीरियर टूर हम आपको देंगे या सो वीडियोस में। या सो अभी तो हमने ये जो अभी वीडियो शेयर किया है दैट्स अभी पेंट नहीं हुआ है एंड देन एंड इट्स अ लाइट्स. स्मॉल अपडेट कि अभी हमारा स्टेटस हाँ क्या एंड है। लाइट्स वगैरह जो भी है लाइट्स के पॉइंट लाइट्स हम दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोटेशन. तो हमने बाहर से सारे एंड दैट ऑल्सो लाइक यू नो उसमें भी हमारे डिज़ाइनर ने हमें बहुत हेल्प किया. तो उसने पूरा एकदम पेपर पे लिख के सर लिस्ट आपको भेज दिया कि आपको हाँ कैसे लाइट्स इतने लाइट्स चाहिए। चाहिए उतने लाइट्स चाहिए. सो सी वॉज वेरी हेल्पफुल यार. सी वॉज वेरी या हेल्पफुल. अब मे बी दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस हमें नहीं पता बाकी जगह भी ऐसा ही होता होगा. या बट ओवरऑल लाइक हमें कोई ऐसा कभी भी ना मतलब डिज़ाइन आज भी से अगर हम लोग उसको कॉल करें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसा है सजेशंस लेना है सजेशंस ऑलवेज हाँ ऑलवेज इज देयर. इज उन्होंने बहुत देयर। हेल्प किया. तो या सो अब आई थिंक 4 to 5 days और लगेंगे एंड देन या आवर इंटीरियर विल बी रेडी. देन विल शो यू द हाउस कि इंटीरियर होने के बाद कम्प्लीटली ये कैसा एक लग रहा टूर है. देंगे या आपको। सो ये तो अभी रफ टूर है. आई मीन यू नो 5 days अभी बचा हुआ है पेंटिंग भी नहीं हुआ है. सो या एंड द फॉल सीलिंग दोज थिंग्स उसमें भी मतलब चार्जिंग आर चार्जेस आर डिफरेंट जो पेंटिंग वेंटिंग का है. तो ये सारे डिटेल्स ना विल मे बी लाइक यू नो इफ यू गाइज वॉन्ट नेक्स्ट टू नो वीडियोस में आ इफ जाएंगे। यू गाइज वॉन्ट टू नो द डिटेल्स आई मीन वी कैन शेयर वी इट कैन शेयर। कि लाइक यू नो हाउ यू शुड प्रोसीड विद द पेंटिंग्स ऑफ द हाउस वेदर यू शुड गो विद द दिस इंटीरियर डिजाइन कंपनी और नॉट करेक्ट। एंड प्लम्बिंग तो एनी वे देर वॉज नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट. तो प्लम्बिंग का वैसा ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था. एंड इलेक्ट्रिकल का कैसे क्या होता है आई मीन इफ यू वॉन्ट सम टेक्निकल डिटेल्स दैट वन ऑल्सो. सो दिस इज बेसिकली एन ओवरऑल व्यू या ओवरऑल हमने बताया आपको. बट इफ यू वॉन्ट समथिंग इन डिटेल आई मीन वी कैन क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर इट विथ योर या एक्सपीरियंस. सो या सो दिस वॉज इट. सो नेक्स्ट वीडियो विल शो यू वंस द आवर इंटीरियर एम्प्टी इज डन. या एम्प्टी या हाउस टूर एंड उसके बाद हाउस वार्मिंग होगी या वी हैव हाउस वार्मिंग तो ऑल्सो. उसमें हमारी सारी फैमिलीज आ रहे हैं। हम दोनों के पेरेंट्स हाँ भैया भाभी सब लोग आ रहे हैं तो वो सारे वीडियोस भी एक के बाद एक सारे वीडियोस आएंगे। हाँ सो माई पेरेंट्स आर कमिंग ऑन दिस वेंसडे. आई एम वेरी मच एक्साइटेड. या एंड नेक्स्ट वेडनेसडे माय पेरेंट्स। या सो वी बोथ आर एक्साइटेड. यस ओके सो दैट्स इट. तो फाइनली फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय टेक केयर। या प्लीज डू सब्सक्राइब या सीरियसली. या बाय। ओके.